हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में एक बार फिर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आवर रनिंग चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का परिचय। इसके अंदर आज का जो टॉपिक है गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट हिंदी के अंदर न्यूनतम लाभ की गारंटी। न्यूनतम लाभ की गारंटी कई बार फर्म के द्वारा किसी साझेदार को दी जाती है तो कई बार साझेदार के द्वारा फर्म को भी न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है। इसके अंदर जो फर्स्ट है गारंटी बाय द फर्म टू ए पार्टनर, यानी कि फर्म के द्वारा किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, किसी भी रेशियो के अंदर 3:2:1, सी का शेयर कितना है 1/6, सी का शेयर 1/6 है। सी इज ए वीक हार्टेड पर्सन, कमजोर दिल का आदमी है, लॉस बियर नहीं कर सकता, हानि सहन नहीं कर सकता, और ए और बी इसको अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेना चाहते हैं या ये पहले से फर्म के अंदर एक साझेदार के रूप में कार्य कर रहा है। ए और बी ने कहा कि तेरे को साल भर का कम से कम 1,00,000 रुपए का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, तेरे हिस्से में कुछ भी आए लेकिन तेरे को कम से कम 1 साल का 1,00,000 रुपया प्रॉफिट का मिलेगा। लॉस भी हुआ तो तेरे को तो 1,00,000 रुपए कम से कम मिलेंगे। अब अपन इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने पास में एक क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 के अंदर ये साझेदार हैं। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, जेड को 1/5 हिस्से के लिए एडमिशन दिया गया और फर्म के द्वारा इसको गारंटी दी गई कि साल भर का कम से कम तेरे को 50,000 रुपए का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, तेरे को हम लॉस नहीं होने देंगे। साल भर के अंदर इन्होंने 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। इन्होंने किसने, फर्म ने 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट किया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बाय द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। इस लाभ का बंटवारा हम कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्म के अंदर साल भर के अंदर 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, ईयर कौन सा है 16-17, बट नेचुरल द क्लोजिंग डेट विल बी 31 मार्च 2017। सबसे पहले हम प्रॉफिट को इस साइड के अंदर लिख लेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एरो विल गो अप फर्स्ट जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाउ मच प्रॉफिट 1,50,000, 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट फर्म के अंदर हुआ। जेड को कितने के लिए एडमिशन दिया था, जेड को 1/5 हिस्से के लिए एडमिशन दिया था, तो सबसे पहले जेड को प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट बांटने से पहले मैं इधर लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज्यूमिंग दैट द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल करंट अकाउंट आर ऑल्सो ओपन, थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, सी को गारंटी, सॉरी एक्स वाई एंड जेड, थ्री पार्टनर्स ए बी सी नहीं है, एक्स वाई और जेड। जेड को 1/5 हिस्से के लिए एडमिशन दिया, 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
150,000 रुपए के प्रॉफिट में से सबसे पहले इसको 1/5 हिस्सा देंगे, 5 × 3 = 30,000। 30,000 रुपए का प्रॉफिट किसके हिस्से के अंदर आया, जेड के हिस्से के अंदर 30,000 रुपए आ गए। अब 150,000 रुपए के प्रॉफिट के अंदर से 30,000 अपन लेस कर देंगे तो बचा हुआ प्रॉफिट एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिमेनिंग प्रॉफिट इज 1,20,000। तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड वाई इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 5×2 = 2, 5×4 = 24,000 रुपए से ये कट गया, 74,000। 72,000 प्रॉफिट किसको मिलेगा, एक्स को, और 24×2 = 48,000 रुपए वाई को प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से जो टोटल है 1,50,000 रुपए आना चाहिए। 72,000, 48,000 और 30,000, 2×8 = 10 की 0, 1 + 7 = 8, 4×12 = 15। अब अपन बात करेंगे गारंटी की। फर्म ने जेड को गारंटी 50,000 रुपए की दी थी और जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो जेड के हिस्से में कितने आ रहे हैं, ओनली 30,000। 30,000 रुपए इसके हिस्से के अंदर आ रहे हैं, यानी कि डेफिशिएंसी अमाउंट, लाभ के अंदर कितने पैसे कम रह गए। न्यूनतम लाभ के अंदर 50,000 रुपए की गारंटी थी, 50 में से इसको 30 मिल रहे हैं, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ये कम पड़ी राशि डेफिशिएंसी इन द गारंटी अमाउंट कहलाती है। तो जेड के हिस्से के अंदर हम डेफिशिएंसी अमाउंट को जोड़ देंगे, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, 20,000 रुपए इसके हिस्से के अंदर जोड़ दिए, तो इसका गारंटी अमाउंट 50,000 रुपए पूरा हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो कम पड़ी राशि है, फर्म ने गारंटी दी थी, ये 20,000 रुपए का डेफिशिएंसी अमाउंट हु विल बियर, इसको कौन सहन करेगा, किस अनुपात के अंदर सहन करेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे, 20,000 रुपए का डेफिशिएंसी अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन विल बी बॉर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स बाय देयर इन देयर ओल्ड रेशियो। कोई सूचना नहीं है इसलिए एक्स और वाई इस 20,000 रुपए की राशि को 3:2 के अंदर बियर करेंगे। यदि मैं 20,000 को 20,000 रुपए की राशि को इनके लाभ हानि अनुपात के अंदर डिवाइड करूंगा तो 3:2, 5×4 = 4×3 = 12,000, 12,000 रुपए एक्स बियर करेगा, तो इसके प्रॉफिट के अंदर से 12,000 रुपए मैं कम कर दूंगा। और इसी तरह से 4×8 8,000 रुपए कौन बियर करेगा, वाई बियर करेगा, 8,000 रुपए इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। फाइनली इसको कितना मिला, 72,000 - 12,000 60,000, 60,000 रुपए इसके हिस्से के अंदर आए और 48 में से 8 गए तो ये 40,000 रुपए इसको आ गए। इस तरह से ये जो 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट था, इस साइड का टोटल भी 1,50,000 रुपए आ गया और इस साइड का प्रॉफिट भी 1,50,000 रुपए आ गया, 6, 4, 10 और 5, 15। तो पहला पॉइंट गारंटी के अंदर, यदि फर्म के द्वारा किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है और कम पड़ी राशि के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बचे हुए साझेदार अपने पुराने अनुपात के अंदर इसको साइन करेंगे। यू कैन नोट डाउन और यू कैन मेमोराइज। अब यदि क्वेश्चन के अंदर यह इंफॉर्मेशन होती कि जेड को 50,000 रुपए की गारंटी है और गारंटी में कम पड़ी राशि एक्स और वाई बराबर बराबर अनुपात में वहन करेंगे, बियर करेंगे, या 40-60 के रेशो के अंदर बियर करेंगे या और किसी रेशो के अंदर बियर करेंगे, तो इन दिस केस वी विल हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे ये इंफॉर्मेशन दी हुई होती कि गारंटी में कम पड़ी राशि एक्स और वाई बराबर बराबर सेंड करेंगे, तो 20,000 रुपए का जो अमाउंट कम पड़ा है इक्वल रेशियो के अंदर ये बियर करते हैं तो 10,000 रुपए हम इसके माइनस कर देते और 10,000 रुपए हम इसके माइनस कर देते।
करना क्या है, सबसे पहले जो फर्म के अंदर प्रॉफिट हुआ है वो इस साइड के अंदर अपन क्रेडिट साइड के अंदर रख देंगे, फिर इसके बाद में गारंटेड पार्टनर का जो प्रॉफिट है और एक्स और वाई का ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट है सबके बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको 1/5 था 30,000 और बचा हुआ इन दोनों के बीच बांट दिया। इसके बाद में हमने देखा कि 20,000 रुपए कम पड़ गए, तो सूचना के अभाव में कम पड़ी राशि हमने एक्स और वाई के अंदर 3:2 के अंदर बांट। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यदि सारी गारंटी एक्स के द्वारा दी जाती तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होता। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यदि गारंटी फर्म के द्वारा न दी जाकर केवल एक्स के द्वारा गारंटी दी जाती है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होता। प्रॉफिट हम 1,50,000 रुपए सबसे पहले रख देंगे। 1,50,000 रुपए के प्रॉफिट में से 1/5 इसको दे दिया, 30,000 जेड को मिल गया, रिमेनिंग प्रॉफिट एक्स और वाई के बीच में इनके रेशियो के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। अब यहां पर ये पोजीशन है, जेड को 30,000 रुपए मिले, डेफिशिएंसी अमाउंट कितना हुआ 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए हम इसको दे देंगे। इसका प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन टोटल डेफिशिएंसी अमाउंट विल बी बोर्न बाय ओनली एक्स। गारंटी में कम पड़ी राशि एक्स बियर करेगा। इसका 72,000 था, 72,000 के अंदर से ये सारा का सारा प्रॉफिट हम इसका कम कर देंगे। 72 - 20,000 और नेट अमाउंट इसका कितना हो जाएगा 52,000 और इसको कोई राशि सहन नहीं करनी पड़ेगी, वहन नहीं करनी पड़ेगी, बियर नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 48,000 और इस तरह से ये 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्स्ट जनरल एंट्री मैंने आपको बताई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल 52,000, टू बीस कैपिटल 48,000 एंड टू सीस कैपिटल 50,000। इस प्रकार से गारंटी के अंदर लाभ का विभाजन कर दिया जाएगा। गारंटी से रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट्स है वो मैं अगले वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। आपने इस वीडियो को रुचि लेके, इंटरेस्ट लेके देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।